हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी, यहाँ मैं बच्चों को जो है नाश्ता दे रही थी। आज मेरा मूड नहीं था नाश्ता करने का, तो मैंने नहीं किया, बस जो है ये बच्चों को दे रही थी। और इसके बाद जी थोड़ी सी सफाई रहती है तो वही कंप्लीट कर रही थी। थोड़े से जो ये फ़्लावर्स वगैरह धोने थे, फ्रिज के ऊपर जो है प्लास्टिक वगैरह धोना था, तो बस यही चीज़ें करनी थी। और आपको एक और बात शेयर करनी थी कि जो ये मेरा पैरेट था जिसको बड़ा ज़ख्मी किया गया था, तो वो वफात पा चुका है तो अब नहीं रहा, तो बड़ा सूना सा हो गया ये वाला जो केज मेरा। तो बस फिर जी सारे जो है ये फ़्लावर्स वगैरह मैं ऊपर से उतार लूँगी और इन्हें वॉश कर लूँगी। और ये ऊपर वाली जो है फ़्लावर वाली, ये मैं नहीं करूँगी, इसलिए मैंने थोड़े दिनों पहले ही इसे वॉश करके लगाया है। तो बस जी ये धो के मैं सुखा चुकी हूँ, अब ये सूख जाएंगे तो मैं इन्हें जगहों पे लगाऊंगी। जब तक मुझे जो है शोकेस के ऊपर वाली जो जगह है वो साफ़ करनी है, तो जब तक मैं वो वाली निपटा लूँगी जब तक ये सूख जाएंगे। तो बस जी इसे निपटाते हैं, इसे क्लीन करते हैं। साफ़ तो बस ये है, खाली झटक करके और जो है ना झाड़ कर जो है सेटिंग से सारी चीज़ें लगानी है। तो बस जी ये देखिए हो गया साफ़। और ये जो है इसे धोना है, लेकिन इसे अभी मैं कुछ वक्त बाद धो के जब हाथ से ही धो के इसे सुखा दूँगी, वापस लगा दूँगी। तो अब ये मैं काम निपटा रही थी, इसमें जो है बच्चे एज़ यूजुअल जो परेशान करने वाली आदत होती है इनकी, तो मैंने सोचा इन्हें पेंटिंग में लगा दिया जाए। तो अभी मैं इनकी पेंटिंग की तैयारी ही कर रही थी, तो जो मोहम्मद अली साहब है वो कह रहे हैं मम्मा मेरी बुक की भी जो है ना आप वो बना दें, वीडियो बनाए ना। तो मैंने कहा चले जी शेयर कर दूँ, ये है इसकी बुक। तो अब जी ये जल्दी जल्दी से इस ग्रेप्स को जो है ना मैं डार्क करके इसे दे देती हूँ, ताकि जो है ये लोग अपना पेंटिंग में लगे रहें और मैं अपने काम निपटा सकूँ सारे। ये क्या कर रहे हैं आप याया? कर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं? पेंट कर रहे हैं। रंगबड़ी कर रहा हूँ। रंग बड़ंग कर रहे हैं। अच्छा, ऐसी पेंटिंग बहुत अच्छी लग रही है, वाओ। तो बस ये देखिए जी सारा काम हो गया। तो जो फ्रिज के ऊपर वाला प्लास्टिक था वो भी सूख गया, ये फ्लावर्स भी सूख गए, और ये ग्लास वगैरह भी मैंने वॉश करके जो है सब कुछ लगा दिया, तो मैंने उसे रख दिया। तो ये जो पीछे दिख रहा है ना, ये मनी बॉक्स है, ये मैंने मेरे बच्चों को जो है ना बना कर दिया है, इसमें अपने कॉइन्स जमा करते हैं ये। तो बस ये सारे फ्लावर वगैरह सब कुछ अब अपनी जगह पे लगाऊंगी मैं। तो जी सारा काम करके जो है ना अब ये मैंने वेजीज़ काटी हैं, ये गोभी है, ये प्याज़ है, ये टमाटर है, ये गाजर है, और ये जो है धनिया है, छोटी मिर्चें हैं, ये लेमन है, और ये बॉयल्ड चिकन है। तो जी मैं बनाने लगी हूँ मैक्रोनीस, क्योंकि बड़ी भूख लग गई थी सारे काम काज करके ना जी। बच्चे भी कह रहे थे बड़ी भूख लगी है मम्मा, तो फिर मगरिब का टाइम भी हो चुका था, तो बस फिर जल्दी जल्दी से मैक्रोनीस बनाते हैं और फिर इसे इंजॉय करेंगे। सिंपल सी मैक्रोनीस बनाती हूँ मैं, जो पतीले में घी डाल के सारी जो है सब्ज़ी सारी जो वेजीज़ होती हैं उसे मैं जो है ना अच्छी तरीके से फ्राई कर लेती हूँ, गला लेती हूँ, फिर इसके बाद जो है ना केचप, चिली सॉस, सोया सॉस, और जो है थोड़ा सा लेमन डालूँगी और चाट मसाला डालूँगी। तो बस ये सब कुछ डाल के जो है फिर मैक्रोनीस डाल दूँगी।
खाना वाना खा के जो है रात के टाइम पर फिर जो मेरे हस्बैंड आ गए थे तो खाना वाना खा के जो हम लोग फिर फ्री हो गए थे, तो बाद में फिर जो है रिकॉर्ड करने का मौका ही नहीं लगा, तो थक भी मैं बड़ी गई थी जी सारे काम करके। तो अब ये वाला क्लिप जो है वो दूसरे दिन का है। तो ये यहाँ पे मैं जो है ना अपना DIY मल्टीपर्पज़ क्लीनर बना रही हूँ, तो मैं यही बनाती हूँ और इसे यूज़ करती हूँ, और इसे यूज़ करके ना यकीन जाने मुझे बड़ा ही मतलब इफ़ेक्ट लगता है, मुझे बहुत ही जैसे साफ़ लगती है वो जगह। तो आप भी बनाएं, थोड़ा सा जो मैंने इसमें पानी डाला है, थोड़ा सा जो है बेबी ऑयल डाला है, आपके पास कोकोनट ऑयल हो तो उससे फर्नीचर वगैरह में चमक आ जाती है, आप डाल के देखिएगा। उसके बाद जो है लेमन मैक्स डाला है, थोड़ा सा जो डिश वॉश होता है वो डाला है, और इसके बाद जो आधा चम्मच मैंने सोडा डाला है। तो बस जी अब इसी को मैं जो है चूल्हे भी साफ़ हो जाएंगे, इसी से फ्रिज भी साफ़ हो जाएगा, और इसी से जो है ना सारा फर्नीचर भी साफ़ हो जाएगा। एक दफ़ा आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, यकीन जाने बहुत जो है ना आपको काम की चीज़ ये लगेगी। तो फिर जल्दी जल्दी अब जो है मैं क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी अपनी, और यही ये वाली बेडशीट बिछाई है मैंने, वो पुरानी जो मेली हो गई थी तो अब मैंने दोबारा दूसरी बेडशीट बिछाई है। तो यही करते करते जी फिर सारा मशीन का सामान भी रखना था मुझे, तो साथ साथ मैंने कहा आपको मैं अपना स्विंग किट भी दिखाऊंगी। तो ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये मैंने जो है ना सिलाई मशीन जो होती है ना मेरी स्विंग मशीन है, उसका कवर मैंने खुद ही स्टिच किया है, सारी जगह पर जो पॉकेट है हैंडल है तो मैं वही आपको दिखा रही हूँ कि देखिए हर जगह पर पॉकेट है। और ये सारी चीज़ें मैं जो है अपने स्विंग किट में जो अरेंज करूँगी, तो साथ साथ आपको स्विंग किट भी दिखाते चले जाएं। तो कपड़े वगैरह सिल जाते हैं ना तो मैं उनके धागे उनकी जगह पे रख देती हूँ, वरना फिर जो है मशीन में ना वो रह रहे के ना गुच्छे बढ़ते रहते हैं और जो है ना बीच बीच में बार बार धागे डिस्टर्ब करते रहते हैं, तो इसीलिए मैं फटाफट से जो है ना जो एक्स्ट्रा धागे होते हैं ना उनको निकाल के उनकी जगह पर डाल देती हूँ, ताकि जो है ना बाद में वो मुझे परेशान ना करे। एक्स्ट्रा बाबिन वगैरह सब चीज़ें मैं जो उनकी जगह पे डाल देती हूँ, सीज़न ख़त्म हो जाता है ना जब सिलाई ख़त्म हो जाती है फिर। तो जी हाँ मैं आपको अपना ये स्विंग किट दिखा रही हूँ, ये जो है एक शॉपर कह लें, इसके अंदर जो है ना मैं अपने सारी जो बची हुई लेसें होती हैं ना जितनी भी वो इसी में जमा करती हूँ सारी। तो सारी लेसें हो गई जो फैंसी लेस सादी लेस हो गई और ये डोरी पाइपिंग वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें जो है ना मैं इसी में अपनी जो है जमा करती हूँ और इसी में जो है ना मैं सेव करके रखती हूँ, और अगर ऐसे मैं लपेट लपेट के फेंकूँ ना तो बहुत जो है ना मैस बढ़ जाता है। तो इसी तरह मैं अपने कामों को जो है ना अरेंज करती रहती हूँ ताकि ज़्यादा मैस ना हो और ज़्यादा जो है ना क्लीन, फिर ज़्यादा मैस हो जाता है ना फिर ज़्यादा क्लीन भी करना पड़ता है, तो इसीलिए मैं सर चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके ही रखती हूँ ताकि बाद में जो है परेशानी ना हो। ये देखिए ये वाला जो बॉक्स है इसके अंदर सारी लेसें हैं, डोरी है, सारी बड़ी लेसें हैं, जिप्स वगैरह हैं, जिपे वगैरह, और जी बस ये जो है ये एक बॉक्स है जिसके अंदर सारे थ्रेड हैं, सारे धागे हैं। तो मैं जल्दी जल्दी से जी धागों को जो है उनकी जगहों पे डाल देती हूँ, और साथ साथ आपको जो है शेयर भी कर देंगे कि ये है मेरा जो है थ्रेड का बॉक्स है ये वाला। जो बस सारे जो मशीन में एक्स्ट्रा धागे थे वो निकाल के मैंने इसमें रख दिए, अब कभी भी ज़रूरत पड़ेगी ना तो मुझे यहाँ से इजीली जो है ना मिल जाएंगे। इसके अलावा वो जो पिंस थी वो स्टिचिंग वगैरह में ही काम आती हैं, और बाकी ये चॉक्स हैं जिनसे ना फैब्रिक पे जो निशान वगैरह लगाते हैं ये वो है। और ये वाला जो बॉक्स है ना ये जो है ना मेटल का बॉक्स था, उसके ऊपर मैंने पेंट किया है और खुद ही बनाया, इसके अंदर मेरा सारा सामान है, डोरी हो गई और जो इलास्टिक हो गया, ये वाइट पल्स हो गए, और जो है ना ये बटन्स हो गए, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये भी एक हो गया मेरा स्टोरेज बॉक्स, और ये एक एक्स्ट्रा कैंची है मेरे पास, एक ब्लैक कैंची है और ये एक एक्स्ट्रा न्यू कैंची मैंने रखी है, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा हर चीज़ अपने पास अवेलेबल रखती हूँ, क्योंकि अचानक कभी भी ज़रूरत पड़े और ना हो ना फिर बड़ा परेशान हो जाता है बंदा, तो इसीलिए मैं अपने पास एक्स्ट्रा हर चीज़ रखती हूँ मैनेज करके। तो बस जी ये था मेरा सामान, और ये है इसके अंदर मैं जो है ना सारा सुई और बटन और इन चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें रखती हूँ। तो ये देखिए जी एक ये बटन का पत्ता है, ये मैंने एक एक्स्ट्रा ले लिया था, और एक एक्स्ट्रा इंची टेप भी मैंने अपने पास रखी हुई है। ये कटर हैं और ये जो है ना दोनों तरफ से जो है एक ही टूल मैंने रखा हुआ है, दो टूल रखने की जगह एक ही रख दिया है जो दोनों में काम आ जाएगा, और बाबिन और जो है मशीन की जो छोटे छोटे वो होते हैं पार्ट्स होते हैं ये सारे इसी में रखे हुए हैं।
और ये जो है ना, ये जो चोटी जो है ना, इसमें मैंने अपनी सारी सुइयां रखी हुई हैं, सारी सुइयां, पिंस। ये हाथ की सुई है, ये मशीन की सुई है, नीचे जो पड़ी है वो हाथ की सुई है, ये वाली हाथ की सुई है, और ये जो है वही नॉर्मल सेफ्टी पिंस हैं। और ये जो है ना, ये सुई बदलने के लिए जो वो छोटी सी वो खोलनी पड़ती है ना, ये वो है, उसके लिए है। तो बस जी, ये थी मेरी स्विंग किट जो मैंने साथ साथ आपके शेयर कर दी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक तो बनता है, ठीक है। तो बस जी, आगे बढ़ते हैं। अब शाम हो गई थी तो अपने लिए बनाई मैंने चाय। अब बच्चे जो है कार्टून में लगे हुए थे, तो मैंने सोचा चाय के साथ साथ जो है थोड़ा बहुत उनको पढ़ाने का काम भी हो जाए और चाय भी इंजॉय कर लूँगी मैं अपनी। तो ये देखिए जी, बैठ के अपना काम कर रहे हैं। शाम के टाइम पे एक दो घंटा इनकी स्टडीज़ पे मैं ज़रूर देती हूँ। फिर इसके बाद जो है खाना वाना खा के जब मैं फारिग हो गई ना, तो फिर जो है थोड़ा अपने ऊपर तवज्जा देने की भी जो है ना वो थी, नीड थी। तो मैंने जल्दी जल्दी क्लिनजिंग करी और ये वाला जो है मड मार्क्स मैंने ये लगाया, तो बहुत ही ज़बरदस्त। इसमें एलोवेरा डाल के मैंने लगा। तो बस जी, सारे काम कंप्लीट हो गए। तो फिर मैंने सोचा कि अभी मेरे पास टाइम है तो मैं मेहंदी लगा लूँ। तो मेहंदी का जी मुझे बहुत शौक है और मेरे हाथ पे अक्सर मेहंदी लगी ही रहती है क्योंकि मैं खुद लगाती हूँ, मुझे शौक भी बहुत है। तो जल्दी जल्दी से जी मैंने मेहंदी लगा ली और ये देखिए जी, मेहंदी मेरी कंप्लीट हो गई। बस जी, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।